नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर अबाउट का ऑप्शन क्यों दिया गया रहता है और उसको कैसे यूज करते हैं और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। तो चलिए इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको नीचे में एक प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको प्रोफाइल आइकन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इस थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक अबाउट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में ऐप अपडेट दिया गया है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐप अपडेट्स पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाटा पॉलिसी के बारे में दिया गया है। यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो भी डाटा पॉलिसी है यहाँ पर आप क्लिक करके उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म ऑफ यूज का ऑप्शन दिया गया है। आप इंस्टाग्राम को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। तो उसको आप पढ़कर आप आसानी से इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा यूज करने में। उसके बाद ओपन सोर्स लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया गया है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इंस्टाग्राम पर अबाउट का ऑप्शन क्यों दिया गया रहता है और उसको कैसे यूज करते हैं और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।